केंद्र व प्रदेश की सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के नाम पर उठाए गए कदम किस तरह से नाकाम हो रहे हैं, इसका एक बारी नजारा मेरठ में देखने को मिलता है। मेरठ के थाना लिसड़ी गेट क्षेत्र में पत्नी द्वारा घर से पैसे न लाने के एवज में पति ने महिला के सर के बाल काट दिए। दरअसल थाना लिसड़ी गेट पहुंची महिला व उसके परिवार जनों ने पति समेत ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए कि पति लगातार महिला के साथ शादी के बाद से ही मारपीट करता था। आरोपी पति आरिफ ने पत्नी रोशनी से अपने पिता से पैसे लाने की फरमाइश रखी, जिसको लेकर पत्नी रोशनी ने पति आरिफ से साफ इनकार कर दिया। वहीं गुस्से में आए पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके सर के सारे बाल काट डाले, महिला को कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि हैवान पति जब घर से जाता था तो महिला को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाकर जाया करता था, ताकि किसी तरीके से पीड़ित महिला रोशनी ने अपने परिवार वालों से संपर्क किया तो परिवार वालों ने रोशनी को हैवान पति की कैद से आजाद करवाया, जिसके बाद महिला रोशनी व उसके पिता थाना लिसड़ी गेट पहुंचे और पति आरिफ समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर दी है। अब देखना ये होगा कि इन लोगों पर पुलिस कितनी कठोर कार्रवाई करती है और कब तक करती है। अच्छा, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? पैसे मंगा रहे थे 10,000 रूपए, लोग अपने बाप से 10,000 रूपए लेकर, मैं ना लेकर तो मार रखू। कौन लोग हैं, किसने मंगाए, क्या नाम है उनका? आरिफ। आपका पति है? अच्छा, क्या क्या किया आपके साथ? बहुत मारा पीटा। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। बच्चा आपके कोई? अच्छा, तो ये कब से परेशान कर रहे हैं आपको? अच्छा, आपने पुलिस को इसकी सूचना दी? मैंने घर बताने के चक्कर में किसी को ना बताया। अच्छा, तो अब आपने दी पुलिस को सूचना कुछ? हाँ। रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या था, निसारीगढ़ का। अच्छा, यहाँ पे कैसे आए हो आप, कौन लेकर आया? मेरे पापा गए थे घर पे, यहाँ पर किसी ने बताया था, मगर मेरे रूम बहुत मार था, जब गए देखा तो मैं रूम लगी पोले पर। एप्लीकेशन मैंने दे रखी है। तो वो तुम्हारा मतलब क्या क्या करते हैं तुम्हारे साथ ससुराल वाले तुम्हारे? मतलब जो करते हैं घर में मन रखा, घर में रहूँ 24 घंटे में घर में रखना मुझे।